नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनता और पुलिस के बीच दूरी खत्म करेगा प्रहरी ग्रुप। जी हां, आज की खबरों की बात कर लेते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए एसपी भावना गुप्ता ने जनता और पुलिस के मध्य बेहतर संबंध बनाने सोशल मीडिया का उपयोग जिले में कर रही है और बकायदा इसके लिए प्रहरी ग्रुप भी बनाया गया है। ग्रुप में जिले के थाना चौकी प्रभारियों एवं कर्मचारियों को अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले पुलिस के सहयोगी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकजुट कर शासन एवं पुलिस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साइबर संबंधी संदेश भी भेजा जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह बताया है कि क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी यानी सीसीईए ने 75,000 किलोमीटर सड़क बनाने के भारतमाला प्रोजेक्ट में 15 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क की लागत बढ़ाकर लगभग 11 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की योजना तैयार कर ली है। और यह विपक्ष नहीं बल्कि सीएजी कह रहा है। क्या अब सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ट्विटर पर यह ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब इसे योगी जी के मंत्री की गुंडा ही ना कहें तो क्या कहें। योगी जी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन पकड़नी थी, बारिश में मंत्री महोदय भीग ना जाएं तो चढ़ा दी गाड़ी विकलांगों पर। विकलांगों के लिए बनाए गए रैंप पर भाजपा के मंत्रियों पर यह सत्ता का नशा कोई नया और चौंकाने वाला नहीं है। जी हाँ, यह ट्वीट कर जानकारी दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल में यह बात कही है कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद का है। खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजेक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? ये देश के मतदाताओं का सवाल है। जी हाँ, इस पर भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि ये लोग अभी छत्तीसगढ़ियों को ठीक से जान नहीं पाए हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम मरने और जेल जाने से नहीं डरते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि भूपेश बघेल के बर्थडे पर ईडी का छापा इनके बर्थडे के दिन किस प्रकार से पड़ा था और इनके राजनीतिक सलाहकार को किस प्रकार से जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सिर्फ एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश की वजह से अब विदेश में भारत का तिरंगा नहीं फहरा पाएगा, राष्ट्रीय गान नहीं चल पाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है। देश और बृजभूषण शरद सिंह में चुनाव करना था, आपने बृजभूषण को चुना है। जी हां, यह ट्विटर हैंडल पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दिया है। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्विटर पर यह बयान जारी किया है जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। हिंदुस्तान का एक इंच जमीन किसी ने नहीं लिया है, जबकि लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन कितनी ले ली है। सब जानते हैं कि पीएम मोदी सच नहीं बल्कि झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जनता से चर्चा करते हुए इस बात की जानकारी ली और उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बातें कही है। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अरुण साव ने ट्वीट कर यह जानकारी दिया है कि चंद्रयान 3 तो चांद के दक्षिणी ध्रुव से मिल लिया, पर यह कांग्रेस के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच संवाद में कौन सा ऑर्बिटल केमिकल लोचा कर रहा है, यह सवाल उन्होंने पूछा है। जी हां, आपको बता दें कि जिनका आपस में संवाद नहीं है उनका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से संवाद कैसा होगा। पीसीसी चीफ और सीएम का भिन्न बयान देखने को यहां पर सामने आया है। इस दौरान दीपक बैज ने कहा यह इनकमिंग नेता है। और अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने यह ट्वीट कर जानकारी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी का दंश आज पूरा छत्तीसगढ़ झेल रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन का असर प्रदेश के मरीजों पर भी पड़ रहा है। भूपेश जी ऐसे विकट समय में नदारद हैं, प्रियंका गांधी को गुलदस्ता दे रहे हैं। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर ईडी के छापों से पूरा छत्तीसगढ़ दहल गया था और उन्हें एक बड़ा उपहार सरप्राइज के रूप में दिया गया था, इस पर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि उपहार के बदले उपहार की परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के लोग परंपराओं को निभाना बखूबी जानते हैं। 2018 में भी अच्छे से निभाया था, अब की बार और अच्छे से निभाएंगे। जी हां, बता दें कि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, ये लिखते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। 75 से ज्यादा सीट भाजपा को रिटर्न गिफ्ट दूंगा, ये कहना है भूपेश बघेल जी का। जेल जाने से नहीं डरता, लगता है मेरे खिलाफ भाजपा नहीं ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कहा वह मरने और जेल जाने से नहीं डरते। आपको बता दें कि ईडी के छापों का मकसद सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है।
इस दौरान आपको बता दें कि ओपी चौधरी ने भी ट्वीट कर यह जानकारी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम के सलाहकार और दो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। क्या ये सभी भ्रष्टाचार सीएम साहब के बिना संरक्षण के संभव हो सकता था? इस पर उन्होंने तंज कसते हुए भूपेश बघेल को कहा है कि कब तक व्हाइट कॉलर बनकर जनता को धोखा दोगे भूपेश जी, वह भी तब जब हाथ ही काला है। इस दौरान आपको बता दें कि भूपेश बघेल के जन्मदिवस के अवसर पर सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा व दो ओएसडी के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। और अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन कर दाऊ यानी भूपेश बघेल को अवसर दिया, लेकिन इस बार प्रदेशवासी कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि इन पौने पांच वर्षों के कुशासन का हिसाब लेंगे। इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। और इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर यह जानकारी दिया है, जिस पर ब्रेन सिंह क्या कह रहे हैं, घास छीनने के लिए सीएम है मणिपुर के। जी हाँ, जो आदमी इतना असंवेदनशील है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के बाद कहता है कि ऐसी तो सड़कों पर सैकड़ों घटनाएं घटते रहती हैं, उनके राज्य में लॉ और ऑर्डर बनेगा। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेसी नेता अबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो ट्वीट कर यह बताया गया है, जिसमें प्रदेश में प्रसारित करे दाऊ बीड़ी और चखना अबकारी मंत्री कवासी लखमा, नशे से जनता मरे तो मरे लेकिन लखमा को फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यह बीजेपी के द्वारा वीडियो जारी कर कहा गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने क्षेत्र के एक आदिवासी के साथ बीड़ी दगाकर पीते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का जबरदस्त माहौल दिख रहा है, मोदी जी के लिए जबरदस्त दीवानगी है। जी हाँ, यह कहना है आसाम से मुगेली आकर विधानसभा क्षेत्र में चार दिन घूमने से यहां और अन्य साथियों से मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा का जबरदस्त माहौल दिख रहा है। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने देश व प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने जिले व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए विकास को भी गिनवाया। ये बात अलग है कि उन्होंने जो फोटो साझा किया है उस साझे फोटो में जनता की भीड़ बिल्कुल भी नदारद है। दो चार लोगों के साथ यह खिंचवाई गई फोटो के आधार पर उन्होंने यह जानकारी दिया कि भाजपा का जबरदस्त माहौल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आगामी विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों के खर्चों पर रहेगी नजर। जी हाँ, यह कहना है मुगेली कलेक्टर का। आपको बता दें अनुवीक्षण दलों की एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय अनुवीक्षण दल के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्य की दृष्टि से अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे खर्चे की जानकारी और चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराए जाने के लिए आप लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस दौरान अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, डीजीपी सहित संविदा में काम कर रहे पूर्व आईएएस और आईपीएस को हटाने की मांग की गई है, तत्काल लगाई जाए चुनाव आचार संहिता। यह बात कहना है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका जताई है। पत्र में छत्तीसगढ़ में तत्काल चुनाव आचार संहिता लगाए जाने की बातें कही गई है। इसके साथ ही पूरे राज्य को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग भी कही गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को तत्काल हटाने की मांग भी करी गई है। और अब अंतिम बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पोस्टिंग संशोधन घोटाला, संशोधन निरस्त करने शिक्षा मंत्री ने फाइल समन्वय समिति को भेजा, शीघ्र संशोधन होगा निरस्त, मामले में एफआईआर भी होगी दर्ज। आपको बता दें कि संयुक्त शिक्षक महासंघ के संचालक एवं प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने पदोन्नति संरक्षण सूची को निरस्त करने हेतु एवं दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर करने की मांग को लेकर आज फिर से शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा। चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कहा कि संशोधन करने का अधिकार जेडी को नहीं था, इसलिए हमने सबको निलंबित किया। संशोधन का अधिकार सिर्फ समन्वय को ही है। हमने दोषी अधिकारियों एवं संशोधन सूची को निरस्त करने के लिए नोट शीट में हस्ताक्षर कर समन्वय समिति को भेज दिया है। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।